उत्तराखंड के भीमताल में कुछ ही घंटों की बरसात ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं बाईपास सड़क भी बरसात के कारण टूटने की कगार पर है। खुटानी नाले से आए बरसात के पानी ने बाईपास मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पूरा मलुवा ब्लॉक रोड के पास दुकानों और घरों में घुस गया। कुछ महीनों पहले आई आपदा से पहले ही लोगों को काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग PWD ने ना तो उन सड़कों को ठीक करवाया जिनमें बरसात के कारण मलबा आया और ना ही बाईपास नहर को ठीक किया। नैनीताल से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। उसमें भी कुछ बच्चियां गाय दबके मर चुकी थी और ये खतरा बना हुआ है हमेशा के लिए। और कल रात भी कम से कम लगभग 2-2.5 बजे के आसपास ये भारी वर्षा हुई है, जिससे ये पूरा मलबा एक घरों में घुस गया है। कि 3-4 परिवार हैं, इनके घरों में घुसा है और इसे एक बड़ी दुर्घटना होने का कारण बना हुआ है। प्रशासन को भी इसके बारे में काफ़ी बार CDO साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं।